हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय गॉर्जियस फेस। आज का ये वीडियो होने वाला है स्किन केयर वीडियो, स्किन पैम्परिंग वीडियो आप बोल सकते हो। मुझे एक रिसीव हुआ है HS रेगेलिया का फेस पैक, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से इसका रिजल्ट है। सबसे पहले इसके ऊपर है उनका नाम HS रेगेलिया, ऑरेंज पील है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे उन्होंने मुझे सेंड किए हैं नीम रोज़, ये एक है, ये मैं ट्राई कर रही थी कि ये मुझे मिले बड़ा वाला, मगर फिर मैंने ऑरेंज पील के ऊपर मेरा मन गया कि मैं ऑरेंज पील वाला ही बड़ा वाला लूँ। देन उन्होंने मुझे सेंड किया है मतलब छोटे पैकेट्स कि आप ये भी ट्राई करो, तो ये वाले पैकेट्स मिले तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये भी मैं चाहती थी कि ये भी मेरे पास हो। तो नीम एंड रोज़ का, अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आपको स्किन को ब्राइट भी करना है, तो इस फेस पैक का आप यूज़ कर सकते हो। HS रेगेलिया का नीम रोज़, देन ऑरेंज का तो ब्राइटनिंग प्लस विटामिन सी के लिए आप फेस पैक यूज़ कर ही सकते हो, जैसे कि बड़ा वाला भी मेरे पास है। नीम स्पेशली फॉर एक्ने ऑन स्किन के लिए है, अगर आपके स्किन बहुत ही ज़्यादा एक्ने है स्किन पर और बहुत ही ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम, आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये वाला फेस पैक ट्राई कर सकते हो स्किन को सूथ करने के लिए, प्लस जो एक्नेज है उनको कम करने के लिए। ये वाला है रोज़ ब्राइटनिंग, प्लस आपकी स्किन एकदम सूद और अच्छे से नरिश्ड करने के लिए रोज़ वाला, एंड देन एकदम टोटली सूद करने के लिए एलोवेरा है। ये तो नेचुरल ब्राइटनिंग इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता ही है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको एलोवेरा से मिलते हैं। मैंने जो ऑर्डर किया है वो है ऑरेंज पील फेस पैक। मेन एंड वीमेन दोनों भी इस फेस पैक का यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों के लिए भी बेनिफिशियल है, सुटेबल टू ऑल स्किन टाइप, ऑयली स्किन, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, फिर भी आप इस फेस पैक का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है ये आपको। इसके बेनिफिट्स हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट बेनिफिट है कि रिड्यूस सन टैन, ब्लैकेट्स है, डार्क स्पॉट्स है, या फिर आपको अगर ब्लेमिश का प्रॉब्लम है तो ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो रिड्यूस हाइपरपिगमेंटेशन मतलब जो एरिया आपके नॉर्मल एरिया फेस के एरिया से थोड़ा सा डार्क होता है उसे हम लोग हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं, तो उस पिगमेंटेशन को भी कम करने का इस फेस पैक में बेनिफिट है। आपको इसे रोज़ वाटर या फिर सिंपल वाटर से आप इसे मिक्स करना है। तो सबसे पहले मैं इसे एक कंटेनर में निकाल रही हूँ। अभी विंटर्स चल रहे हैं, ड्राई स्किन हो चुकी है और बहुत सारी डेड स्किन भी, मतलब ड्राई होने की वजह से डेड स्किन भी जम चुकी है। साथ ही साथ ये वाला वीक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत सारी शादियाँ अटेंड करनी पड़ी, प्लस फंक्शंस अटेंड करने पड़े, मेकअप एवरीडे हो रहा था, तो स्किन की पूरी तरह से बैंड बढ़ चुकी है। तो अब मैं इसे फेस पैक लगाकर मेरी स्किन को थोड़ा रिलैक्स करूँगी। ये है HS रेगेलिया का प्रोडक्ट, इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने हाथों पर भी लगा लिया है क्योंकि हाथ भी बहुत ज़्यादा टैन हो गए थे मेरे धूप में घूम घूम के, तो
तो जस्ट मैंने इसे अप्लाई कर लिया मेरे हाथों पर भी। इसे आप अपने बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं बॉडी पॉलिशिंग के लिए। तो इसे 15 मिनट रखना है, मैं 15 मिनट रखूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ इसे वॉश करने के बाद। जस्ट मैंने फेस पैक को वॉश कर लिया है आफ्टर 15 मिनट। फेस पे जितना भी डेड स्किन था वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, जो भी टैन था वो कम हो गया है। फेस पैक डेफिनेटली बहुत अच्छा है, आप अलग अलग ये भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने ऑरेंज पिल यूज़ किया है, उसी तरह से मैंने बाकी के भी आपके साथ शेयर किए कि कौन से अलग अलग वेरिएंट उनके पास है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। रोज़ नीम, सिर्फ नीम या फिर एलोवेरा, आपको जो पसंद है वो आप ट्राई कर सकते हो। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हो उनके प्रोडक्ट को और ऑर्डर कर सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वो पसंद आया है तो लाइक बटन को प्रेस करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मैं लेके आती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।